NCERT एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस देखते हैं. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमें यहाँ पर एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसके टर्म्स हमें यहाँ पर गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखें तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू मिल रही है 121. कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा सेकेंड टर्म 117 माइनस फर्स्ट टर्म 121. तो हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिल गई यहाँ से -4. अब हमें पूछा गया है कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमने यहाँ पर मान लिया कि nth टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. तो अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, an. ओके, और नेगेटिव टर्म है मतलब इस नेगेटिव टर्म की वैल्यू ज़ीरो से स्मॉल होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि नेगेटिव ज़ीरो से स्मॉल होता है. तो हम यहाँ से इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू पुट करते हैं. ए एन हमें मिलता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन ज़ीरो. ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 121, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है -4. तो ये हमें इस तरह से मिल गया. हम यहाँ से 4n-1 ये टर्म बोथ साइड ऐड करते हैं. ऐड दिस टर्म बोथ साइड. तो जब हम इसे बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 121 मिलेगा, क्योंकि जब हम इस टर्म को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 4n-1. ओके, अब हम बोथ साइड फोर से डिवाइड करते हैं. बोथ साइड फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इस साइड पर हमें मिल जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमें इस तरह से मिल गया. इसके बाद अगेन हम बोथ साइड 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 121 अपॉन 4 प्लस 1 और यहाँ से ये हमें मिल गया n. ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो 121 अपॉन 4 इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30.25 + 1. दिस इज 31.25 इज लेस देन n, मतलब n की जो वैल्यू है वो 31.25 से ग्रेटर होगी. तो हम यहाँ से ले लेते हैं n इज इक्वल टू 32. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 32 जो इसका 32th टर्म होगा ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ से लिया था nth टर्म की वैल्यू इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की है तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 32. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमें यहाँ पर गिवन है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड और सेवेंथ टर्म का एडिशन 6 है और उनका मल्टीप्लिकेशन 8 है. तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस
is D. Okay. तो third term क्या हो जाएगा? यहाँ से third term हमें मिल जाएगा A3. This is A plus 3 minus 1 into D. मतलब ये हमें मिल रहा है A plus 2D. Okay. और हमें given है seventh term. तो seventh term हमें यहाँ से मिल जाएगा A plus 7 minus 1 into D. This is A plus 6D. Okay. अब हमें question में given है कि इसके seventh और third term को अगर हम add करें तो इनका addition हमें 6 मिलता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A3 plus A7 is 6. Okay. तो यहाँ पर A3 और A7 की value put करते हैं. तो A3 यहाँ पर है A plus 2D और A7 है A plus 6D is equal to 6. Add करेंगे तो ये हो गया 2D plus 2A plus 8D is equal to 6. Both side 2 से divide करेंगे तो ये हो गया A plus 4D is equal to 3. बोथ साइड हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया. इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में. इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? सेकंड कंडीशन गिवन है कि थर्ड और सेवेंथ टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये हमें 8 मिलता है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. ये है a प्लस 2d और ये यहाँ पर है a प्लस 6d इज इक्वल टू 8. यहाँ से सॉल्व करते हैं. अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से a हमें मिलेगी 3 माइनस 4d. ठीक है, a की इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. यहाँ पे तो हम a की वैल्यू पुट करते हैं. तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 माइनस 4d पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d. और उसी तरह से यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8. सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3 माइनस 4d प्लस 2d इज माइनस 2d. और यहाँ से a माइनस 4d प्लस 6d इज प्लस 2d इज इक्वल टू 8. मल्टीप्लाई करते हैं. सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है. यहाँ पर हमें 3 लिखना था. 3 माइनस 4d है तो ये वैल्यू है 3. ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इज 9. देन 3 इंटू 2d दिस इज 60. अगेन माइनस 2d इंटू 3 दिस इज माइनस 60. एंड माइनस 2d माइनस इंटू प्लस 2d इज माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. यहाँ से प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो जाएंगे और 8 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो गया 9 माइनस 8. और इस 4d को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो यहाँ से ये 1 मिल गया. हमें d स्क्वायर मिल गया 1/4. मतलब d की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 1/2. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 1/2. तो हम एक एक करके इसकी दोनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे. अगर कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2 है तो हम a फाइंड करते हैं. a की वैल्यू है 3 माइनस 4d. अगर हम d की वैल्यू को 1/2 मतलब प्लस 1/2 पुट करते हैं तो a हमें क्या मिल जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू 1/2. दिस इज 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4. तो ये हो गया 3 माइनस 2 मतलब 1. फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल गई 1. और जब d की वैल्यू माइनस 1/2 है तो a हमें मिल जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2. ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस. तो 3 प्लस 2 इट बिकम्स 5. मतलब अगर d की वैल्यू 1/2 है तो फर्स्ट टर्म होगा a
अगर डी की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो उस कंडीशन पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ से हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसके फर्स्ट 16 टर्म्स के सम फाइंड करने हैं। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मालूम है, ए मालूम है और एन मालूम है, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं यहाँ पर, सम का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, एस एन इज एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हम सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है कि 16 टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 16 पुट करते हैं और ये हो जाएगा 16 अपॉन टू। सबसे पहले हम ये वैल्यूज लेते हैं, d की वैल्यू 1 बाई टू और a की वैल्यू 1, तो ये हो गया इस तरह से। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8 और यहाँ पर ये हमें मिल गया 2 प्लस 15 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा हमें 2 और ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 15 इज 19, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 19 इंटू 4 करेंगे तो इसके 16 टर्म्स का सम हमें मिल जाएगा 76। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए है। सेकेंड कॉम्बिनेशन के लिए करते हैं, तो इस कंडीशन पर ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है माइनस 1/2। ओके, सॉल्व करेंगे, ये होगा 8, दिस बिकम्स 10 एंड यहाँ से माइनस हो गया ये 15/2। यहाँ पर भी हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 टू ज़ा 20, 20 माइनस 15 इज 5, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 2 फोर ज़ा 8, ये हो गया 4 इंटू 5, मतलब यहाँ पर एस 16 हमें क्या मिल जाएगा 20, 4 इंटू 5 इज 20। तो अगर डी की वैल्यू प्लस 1/2 है तो उस कंडीशन पर सम हमें मिल रहा है 76, पर अगर डी की वैल्यू माइनस 1/2 है तो उस कंडीशन पर सम हमें मिल रहा है 20। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ लैडर हैज़ रक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रक्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रक्स आर 5/2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रक्स। हमें यहाँ पर गिवन है कि कोई यहाँ पर लैडर है और इस लैडर के लिए इसके जो रक्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट रग और सेकंड रग इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है, और अगर हम बात करें कि बॉटम वाले रग से टॉप वाले रग्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमें मीटर्स में गिवन है 5/2 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, अगर 5/2 मीटर्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी क्वांटिटीज़ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें इस तरह से मिल गया कि फर्स्ट रग और सेकेंड रग, मतलब हर रग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और टॉप एंड बॉटम इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमें रग्स की लेंथ गिवन है कि जो सबसे बॉटम वाला रग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ये इस तरह से डिक्रीज हो रही है, और फर्स्ट रग जो इसके टॉप में है इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है कि इन रग्स को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर लंबी
वुड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें Sn ही निकालना है, इनके सम निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रग्स कितने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ रग्स, तो यहाँ पर बॉटम और टॉप इन रग्स के बीच का डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर। तो हम इसे 250 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इंडिविजुअल रग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर। प्लस हम यहाँ पर करेंगे 1, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी लेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर तो हमें इससे डिस्टेंस नहीं मालूम, तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है। तो ये रग, ये रग, ये रग की क्वांटिटी हो जाएगी 250/50, और ये सबसे बॉटम वाला रग, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ऐड किया। तो इस तरह से टोटल रग कितने हो गए? 11। मतलब ये 1, 2, 3 ऐसे करते करते हमें 11 रग्स मिलेंगे इस लैडर में। अब यहाँ पर 11 रग्स मिल गए। अगर हम मान लें कि ये फर्स्ट रग है, टॉप वाले रग को हम मान लें फर्स्ट रग है और बॉटम वाले रग को हम मान लें लास्ट रग है, तो इनके बीच में टोटल 9 रग्स और हैं, क्योंकि टोटल रग कितने मिल गए? 11। तो यहाँ से हम ले ले रहे हैं ए की वैल्यू जो है 25 है और ए एन की वैल्यू 45 है, एन की वैल्यू 11 है, क्योंकि नंबर ऑफ रग्स भी हमें मालूम पड़ गए। तो अब हम कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। कॉमन डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे ये 45 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो ये किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं वो हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा, और उसके बेसिस पर हम इस रग की लेंथ, इस रग की लेंथ, इस रग की लेंथ पता कर सकते हैं, और जब सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। तो ए एन का फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए एन की वैल्यू हमने ली है 45, फर्स्ट टर्म हमने ली है 25, एन की वैल्यू हमें मिल रही है 11। डी फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 45 - 25 = 10 डी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20 = 10 डी। तो D हमें यहाँ से मिल गया 20/10, दैट इज़ 2। मतलब ये जो रग्स हैं वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे ये 45 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा? 43 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 41 सेंटीमीटर। फिर 39, फिर 37, इसी वे में ये डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमें इनके सम फाइंड करने हैं। तो हमने इसका ऑर्डर पता कर लिया। जैसे ये 25 अगर फर्स्ट टर्म है तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 27, देन 29, 31, 33, 35, 37, 39, देन 41, देन 43, देन 45। ये रग्स की लेंथ हमें मिल रही है। अब हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड पता करना है। सिंपल, हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड मिल जाएगी। या फिर हम चाहें तो हम इनके सम पता कर सकते हैं डायरेक्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से, या हम इन सभी को ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से करेंगे तो हम ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ पर एन, डी और ए की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इससे मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, तो ये हमें मिल जाएगा 11/2 इन ब्रैकेट 2 × 25 प्लस 11 - 1 × 2, क्योंकि D की वैल्यू हमें 2 मिली है। ये हो गया 11/2 इन ब्रैकेट 25 × 2 = 50 एंड ये हो जाएगा 20।
सॉल्व करेंगे 11/2 × 70, 2 × 1 = 2, 2 × 35 = 17, तो ये हो गया 11 × 35। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया यहाँ से 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर हमें वुड की लेंथ मिल रही है जो इस रक्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम इस मेथड से सॉल्व ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट इन सभी को ऐड कर देंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर गिवन है कि इस तरह से एक रो में कुछ हाउसेस हैं, ओके, और इन हाउसेस के जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट करके 49 तक दिए हुए हैं। ठीक है, और इन हाउसेस के बीच में एक नंबर ऐसा है, एक नंबर एक्स किसी हाउस का नंबर इस तरह से है कि इसके पहले जितने भी हाउसेस हैं उन सभी के नंबर्स का सम इसके बाद वाले जितने भी हाउसेस हैं उन नंबर्स के सम के इक्वल है। हमें इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि किसी हाउस का नंबर, मान लीजिए कोई हाउस है जिसका नंबर है एक्स, और ये हाउस इस तरह से है कि इसके पहले जितने हाउसेस हैं उनके नंबर्स का सम इसके बाद में जितने हाउसेस हैं उनके नंबर के सम के इक्वल है। तो हमें इस वैल्यू एक्स को पता करनी है कि वो कौन सा हाउस नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके पहले जितने हाउसेस हैं उनके सम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर इस हाउस का नंबर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। ओके, मतलब इसके पहले हाउसेस के सम पता करने हैं, मतलब हमें क्या पता करना होगा एस एक्स माइनस वन, क्योंकि हमें पता है एस एन होता है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस वन, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू करके हमें एक्स माइनस वन तक के हाउसेस जितने हैं उनके सम पता करने हैं, तो हमें एस एक्स माइनस वन फाइंड करनी है। ओके, तो ये एक वैल्यू तो हमें मिल गई। इसके बाद दिया हुआ है कि ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल है इस एक्स के जितने बाद के हाउसेस हैं उनके इक्वल। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक के पूरे सम, मतलब एस 49, और इसमें हम एस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एस 49 क्या इंडिकेट करेगा, स्टार्टिंग से लेकर 49 टर्म्स तक सम, और एस एक्स इंडिकेट करेगा यहाँ तक का सम। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इतने टर्म्स का सम मिल जाएगा, और हमें क्वेश्चन में यही क्वांटिटी गिवन है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया। अब दोनों के इनके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा x माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि n की प्लेस पर x है, इन ब्रैकेट 2a प्लस x माइनस वन, ये n की वैल्यू, माइनस वन इंटू डी, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, इज इक्वल टू 49 अपॉन टू 2a प्लस 49 माइनस वन इंटू डी, ये माइनस यहाँ से x अपॉन टू, इन ब्रैकेट 2a प्लस x माइनस वन इंटू डी, ये हमें मिल गया। यहाँ पर देखिए हमें हाउसेस के नंबर गिवन हैं और हमें गिवन है कि 1 से लेकर 49 तक हैं, मतलब a की वैल्यू हमें गिवन है 1 और कॉमन डिफरेंस भी है 1, क्योंकि इनके नाम
वन टू थ्री फोर इनके नंबर्स हैं, तो टू माइनस वन करें, थ्री माइनस वन टू करें, हमें इनके कॉमन डिफरेंस वन मिलेगा. तो ए और डी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू इन ब्रैकेट टू इंटू ए, वन करेंगे ए की प्लेस पे तो ये हो गया टू, प्लस ये हो गया एक्स माइनस टू डी की प्लेस पे भी हमने वन पुट कर दिया, तो ये इस तरह से हमें मिल गया. इसके बाद यहाँ पर भी वन पुट करेंगे ए की वैल्यू तो ये हो गई टू. ओके, यहाँ से ये हो गया 48 और डी की वैल्यू भी वन पुट कर दिए, माइनस एक्स अपॉन टू ए की वैल्यू वन पुट करेंगे और यहाँ से ये हो गया एक्स माइनस वन जब हम डी की वैल्यू वन पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक्स माइनस वन अपॉन टू एज इट इज़ है, यहाँ से प्लस टू माइनस टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर केवल x बच गया. इसी तरह से यहाँ पर 49 अपॉन टू और 2 प्लस 48 ये हो जाएगा 50. ठीक है, यहाँ पर ये हमें मिल गया x अपॉन टू इंटू ये हो गया x, 2 माइनस वन ये हो गया प्लस वन, तो ये हमें इस तरह से मिल गया. यहाँ से अगर हम देखें तो बोथ साइड डिनोमिनेटर में 2 है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टू बोथ साइड से कैंसिल हो गया. ठीक है, और यहाँ पर 49 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 2450. यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ भी है, माइनस एक्स यहाँ भी है, बोथ साइड से ये कैंसिल हो गए और ये इस माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450. ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450. टू को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 2450 अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर क्या मिल गया हमें 1225. तो एक्स हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 1225 एंड दिस इज 35 प्लस माइनस 35. पर हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो नंबर है वो प्लस में है, पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4 अप टू 49, मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 35. मतलब 35 हाउस नंबर एक ऐसा हाउस नंबर है जिसके पहले जितने भी हाउस नंबर है 1 से लेकर 34 तक उन्हें हम ऐड करेंगे और 36 से लेकर 49 तक जब ऐड करेंगे तो उनके एडिशन, हाउस नंबर के एडिशन हमें इक्वल मिलेंगे और वही चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी और हमने इस तरह से वो नंबर को फाइंड कर लिया. इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट. ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस. हमें यहाँ पर एक टेरेस के स्टेप्स गिवन हैं और हमें पता करनी है कि इसे बनाने के लिए टोटल कितने कॉन्क्रीट की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर इस सीढ़ी के इस स्टेप्स के हमें डायमेंशन गिवन है कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ 50 मीटर है और इसका जो हाइट है वो 1/4 मीटर है और ये थ्रेड इसका है 1/2 मीटर. तो हम एक एक स्टेप के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप को बनाने के लिए कंक्रीट का वॉल्यूम
तो ये हमें मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है यहाँ से 1/2, और हाइट हमें गिवन है 1/4. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल गया 25/4. 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया तो ये हमें मिल गया 25/4. ठीक, इसके बाद हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेकेंड स्टेप. यहाँ पर ये 1/2 इसके ब्रेथ की हमें ब्रेथ हमें गिवन है, और जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा इसके ब्रेथ बढ़ते जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने किया इसे 2/2 इंटू 50 इंटू 1/4. लेंथ और हाइट सेम रहेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 50/4 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है. इसी तरह से हम थर्ड स्टेप का फाइंड करेंगे तो थर्ड स्टेप का हमें मिल जाएगा 75/4 मीटर क्यूब. तो ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है 25/4, 50/4, देन 75/4, और इस तरह से हमें मिलेंगे. हमें फाइंड करनी है कि इसी तरह से 15 स्टेप बनाने के लिए कितने कंक्रीट की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर हम ले सकते हैं n की वैल्यू 15, क्योंकि 15 स्टेप्स करने हैं. फर्स्ट अटैम्प की वैल्यू हमें मिल रही है 25/4 ये, और कॉमन डिफरेंस d अगर हम फाइंड करें तो इसके लिए हम करते हैं 50/4 माइनस 25/4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d हमें मिल जाएगा 25/4. अब हम S15 फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 2a. a की वैल्यू है 25/4 प्लस n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू हम 15 पुट कर रहे हैं, और d की वैल्यू, तो ये इस तरह से मिल गया. इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हो गया 15/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ से ये हमें मिल गया 25/2, और ये मिल गया 14 × 25/4. इसे भी 2 से कैंसिल करते हैं, 2 7s are 14, 2 2s are 4. तो ये हमें इस तरह से मिल गया यहाँ पर 15/2 एंड इन ब्रैकेट 25/2 प्लस 7 × 25. दिस इज 175/2. तो LCM यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल गया 200. 200/2 करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 100, और फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 50. मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 750. 750 मीटर क्यूब, मतलब हमें यहाँ पर इसके सम मिल गए 750 मीटर क्यूब. मतलब इन स्टेप्स को बनाने के लिए, इस लैडर को बनाने के लिए हमें 750 मीटर क्यूब कंक्रीट की ज़रूरत होगी. तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रायंगल्स.